तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की, अब ये आराम की उम्र है, तो ये जो आपने नए साल की पार्टी की तो जिम्मेदारी ली है ना, मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए आपको। हाँ बाबूजी, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं, अभी ये उम्र में आपने कहा ये सब मगजमारी अपने ऊपर मोल ली, बहुत इसमें तो माता पच्ची करनी पड़ती है बाबूजी, सब पार्टी का आयोजन हो सब में। हाँ अरे आप कहाँ इस सब में उलझेंगे चाचा जी, मैं तो ये कहता हूँ ये सारी जिम्मेदारी आप जेठालाल को सौंप दो। हाँ चलेगा, मैं तो वैसे भी दुकान के कामकाज को लेकर भागा दौड़ी करता ही रहता हूँ, तो हाथों हाथ इसकी भागा दौड़ी भी कर लूंगा। बिल्कुल, तुम दोनों को ये लग रहा है ना कि ये पार्टी का आयोजन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तो सब। अरे नहीं 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 चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप और जेठालाल मिलकर ये काम करेंगे तो बाप बेटा साथ होंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपका टेंशन कम हो जाएगा। और वैसे भी देखिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये तो आप ही को सोचना है ना, आप ही को सोचना है। जेठालाल तो सिर्फ मजदूर है, ठेकेदार तो आप ही है। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी बिल्कुल। अरे सीधा सीधा बोलो ना तुम दोनों कि तुम दोनों को मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है बाबू जी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, बच्चाओं में हमारे टाइम पे ये डेकोरेटिंग वाले कैटरिंग वाले ये सब नहीं हुआ करते थे, सब हम खुद करते थे। अरे मुंडन हो, शादी हो, गोद भराई हो, इन सब का आयोजन मैं अकेले संभालता था। और शादी के जमणवार में तो 500-500 हजार हजार लोग आते थे, तो उस जमणवार का आयोजन भी मैं अकेला संभालता था। तो ये अपनी न्यू ईयर की छोटी सी पार्टी में संभाल नहीं सकता क्या? नहीं नहीं आप कर सकते हैं बापू जी, आप सब कर सकते हैं, आप बापू जी है, आप क्या नहीं कर सकते, अब जो भी करेंगे एकदम फर्स्ट क्लास करेंगे। ये तो एक बेटा होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ बापू जी, मैं काम करता हूँ, मैं दुकान नहीं जाता हूँ, यहाँ घर पे रह के पार्टी के आयोजन में आपकी मदद करता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। अभी तुझे दुकान जाना पसंद नहीं, नहीं है ना जेठे? कोई ना कोई बहाना करके तुझे बस घर पे ही बैठना है। नहीं ठीक है ठीक, तू अच्छे घर पे बैठ है, अच्छे दुकान मैं संभाल लूंगा है, धंधा मैं संभाल लूंगा, तू आराम से है ना घर पे बैठ। नहीं 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 बापू जी, सॉरी सर, मैं दुकान जाऊंगा, धंधा मैं ही संभाल लूंगा, आप पार्टी का आयोजन कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि पार्टी में आप क्या करने के वाले हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैंने बोला ना नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। तूने चाय तो रखी नहीं होगी? नहीं नहीं हो। हाँ नहीं बता था मुझे, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं तो तू पिएगा? नहीं नहीं चाय नहीं। ठीक साहब, आपको जिस काम के लिए बुलाया वो तो आपने किया ही नहीं। अरे जेठल कितनी तो कोशिश की यार, हर तरह से पूछ ले, अब क्या करें, वो बताने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी पता तो लगाना पड़ेगा ना। ना तो पड़ेगा पर कैसे लगाए भाई, वो तो बता ही नहीं रहे। एक काम हो सकता है जेठल, चाचा जी टप्पू से कोई बात नहीं छुपाते, टप्पू बहुत स्मार्ट, वो चाचा जी से पार्टी के बाद निकलवा ही लेगा। तो ना 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 मुझे ऐसे मत देखो भाई, टप्पू के पास मैं नहीं चलूंगा बात करने के लिए, वो तुम करो, चाचा जी से बात करनी थी मैं आ गया, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। हाँ नहीं ठीक है, टप्पू से तो मैं कर ही सकता हूँ बात। ठीक है ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ चलो, तुम कहाँ चल रहे हो? टप्पू के रूम में भाई। हाँ भाई मेरे का बोलो, ये लाट साहब अभी तक सो रहे हैं। टप्पू देर तक सोता है तो बापू जी उसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी पितुड़ी निकाल देंगे। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या, उठ बेटा सुबह हो गई है, बापू जी को पूछने जाना है ना पार्टी के बारे में, चल। पापा वो तो कल रात को ही डिसाइड हो गया था ना कि आप पूछने वाले हो। अरे बेटा वो बराबर है, लेकिन बाद में क्या मुझे विचार है कि बापू जी मुझे नहीं बताएंगे, तू बापू जी का लाडला है ना, तुझे फटाक से बता देंगे। पापा एक बार पूछे तो सही, आपको बता देंगे। अरे बेटा नहीं बताएंगे, बोला ना। और देख टप्पू, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमको ही संभालना पड़ेगा, लेकिन संभालने के लिए पहले पता तो चले कि वो क्या करने क्या वाले। सुन रहा है ना? हाँ सुन लो।
देख टप्पू, अगर तूने पता लगा लिया तो मैं तुझे एक बढ़िया से गिफ्ट दूंगा। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं। पक्का? पक्का पापा। सोच ले टप्पू, फिर पछतावा होगा तुझे, क्योंकि गिफ्ट बहुत जोरदार है। अच्छा, क्या है गिफ्ट? लेटेस्ट मोबाइल, 4 कैमरा वाला। क्या? पापा, डन। आप शाम को आते टाइम फोन लेकर आइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शाम को तो बेटा बहुत लेट हो जाएगा, मुझे तो अभी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अभी? ठीक है। गुड मॉर्निंग दादाजी, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। वैसे दादाजी, आपने न्यू ईयर पार्टी की जिम्मेदारी लेकर ना बहुत अच्छा किया, एंड आई एम श्योर कि इस बार आप कुछ अलग ही करोगे। हाँ हाँ, इस बार की पार्टी कुछ अलग ही होने वाली। क्या क्या बात है दादाजी, देखना इस बार आप और मैं मिलकर न्यू ईयर पार्टी की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं 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 टपुड़ा, पार्टी का सारा इंतजाम तो मैं ही करूंगा, तुम लोग सिर्फ पार्टी के मजे लेना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। वैसे दादाजी, पार्टी का क्या प्लान है? पार्टी में मैं, टप्पू, नहीं बेटा, ये राज की बात है और ये राज की बात मैं किसी को भी नहीं बताऊं, तुझे भी नहीं, तू सीधा पार्टी में देख ले। ये क्या बात हुई दादाजी, आप ही कहते हो ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर दोस्तों में कैसा राज? ये भी है, दोस्तों में कोई राज नहीं होना चाहिए। हाँ। एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ बोल बंसी। हाँ भाई, चंपक ही बोल रहा हूँ, बोल ले। क्या पार्टी का बजट? वो तो अभी मुझे पता नहीं है, मैं काम करता हूँ, भीड़े से पूछता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। अरे भीड़े हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको पूछ के मैं फिर तुझे फोन करता हूँ। हाँ चल, रखता हूँ। दादाजी अब बताइए क्या प्लान? अरे हाँ, लेकिन देख टपुड़ा, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ और किसी को बताना मत, ये सरप्राइज है। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। पार्टी में है ना? नहीं नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, तुझे लिख के देता हूँ, जा कागज और पेन लेकर आ। हाँ हाँ हाँ, लेकर आ। ये लीजिए। लेकिन हाँ टपुड़ा, देख मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो तू किसी और को नहीं बताएगा। हा? हाँ हाँ, ओके ओके दादाजी। पक्का? पक्का पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक। बेटा हाँ, ये तू पढ़ के है ना, फिर फाड़ के फेंक देना ये कागज। हाँ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, ओके दादाजी। मैं भीड़े के घर जाके रहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है दादाजी। वाह टप्पू, वाह मेरा बेटा, मेरा लाल। थैंक यू। शाबाश शाबाश बेटा। क्या तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं ही 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 बताऊंगा।
क्या हुआ? दादाजी भी ना। पापा शाम को आते टाइम ना फोन लाना मत भूलना। अरे चल चला मैं अभी कहीं का फोन। क्यों क्यों क्या हमारी क्या बात हुई थी? कि तू मुझे बापूजी पार्टी में क्या करने वाले वो इन्फॉर्मेशन लाके देगा तो तुझे फोन मिलेगा। लेकिन पापा मैंने कोशिश तो की ना। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूँ बेटा, अचार डालू? इन्फॉर्मेशन लाके दे फोन तेरा। क्या क्या अभी क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट करने वाले हैं। पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उनको तो कुछ अनुभव भी नहीं है, ऊपर से किसी की मदद भी नहीं ले रहे, टप्पू से ना की भी नहीं। अरे देवा, अरे देवा, नहीं चल जाती अभी, क्या सोच रहे आप इतना? माधवी एक तो मुझे पार्टी करनी नहीं थी न्यू ईयर की, अभी पार्टी हो रही है और सारा अरेंजमेंट चाचा जी करने वाले, वो भी किसी की मदद के बगैर। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करने वाले। मीता मंटे पूछ ही लीजिए। कैसे पूछ लीजिए, वो चाचा जी है, उनका कोई मूड का भरोसा होता है क्या? उनका मूड मतलब वो मुंबई की बरसात की तरह होता है, कभी भी बरस पड़ते। जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भेड़े देख, बापू जी भी तेरे घर पे आ रहे हैं वो पार्टी के बजट के बारे में बात करने। अच्छा तो तू जरा आइडिया से वो पार्टी में क्या करने वाले हैं ना वो सब जरा पूछ लेना। क्यों तुमने पूछा था? हाँ मैंने पूछा। तो तुम्हें बताया नहीं? नहीं। कमाल है जेठालाल, तुम बेटे हो के तुम्हें नहीं बताया तो मुझे कहाँ से बताएंगे? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे पास सेक्रेटरी का पावर है, सेक्रेटरी अगर पूछेगा तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। हाँ और जैसे पता चले मुझे फोन करके बताना, ठीक है? हाँ मैं बोल दूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अंदर आ सकता हूँ? अरे चाचा जी आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए आइए। क्या बात है अचानक आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ बस ऐसे। बोलिए बोलिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी मसाला दूध? नींबू पानी। अरे वाह मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा माधवी नींबू पानी के साथ ना चिवड़ा भी लेके आना। अरे नहीं चिवड़ा नहीं, चिवड़ा नींबू पानी के साथ नहीं जाता, चाय के साथ मजा आता है ना चिवड़ा। हाँ हाँ तो चाय लेकर आऊँ चाचा जी? नहीं नहीं चाय नहीं बेटा, तुम नींबू पानी ले लाओ, चिवड़ा नहीं चाहिए। बरोबर है, कोई हरकत नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बताइए चाचा जी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे उसी सिलसिले में तो मैं तुझसे बात करने आया हूँ। वाटलस माला, सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी के बगैर पार्टी तो हो ही नहीं सकती ना। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? चल चल अभी अपनी ज्यादा तारीफ मत कर, मैं कोई तेरी मदद लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट क्या है। नहीं वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन क्या करने के वाले आप पार्टी में? वो मैं तुझे क्यों बताऊँ? मैं सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी होने के नाते ये जानना मेरा फर्ज है ना कि सोसाइटी के फंक्शन में क्या हो रहा है। क्या है पार्टी में अगर कुछ भगवान ना करे लेकिन पूछनीच हो गई तो सब मुझे पूछेंगे ना। अरे तुझसे क्यों पूछेंगे, मैंने सबके सामने बोला है ना कि पार्टी की पूरी तैयारी मैं करने वाला हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी हुई ना। चाचा जी लेकिन फिर भी पार्टी के बारे में सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करने में हर्जी क्या है, बताइए ना आप मुझे। हाँ ये बात सही है, तुझे तो मैं बता ही सकता हूँ। ठीक सुन, लेकिन देख तुझे बता रहा हूँ और किसी को मत बताना। नहीं किसी को, माधवी को भी नहीं बताऊंगा। मैं ना पार्टी में धमाका करने वाला हूँ। नहीं धमाका तो आप करेंगे ही, भाई शंकर नहीं, लेकिन धमाका मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे पार्टी में? अरे भिंडी मस्तक, तू क्या मुझे छोटा बच्चा समझता है जो बार बार पूछ के मुझसे उगलवा लेगा? मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो बस पीछे ही पड़ गए, पार्टी में क्या करने वाले, क्या करने वाले, क्या करने वाले। आप बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने बोला ना मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। ठीक है तुझे बजट नहीं बताना है ना, कोई बात मैं डेकोरेटर से बोल देता हूँ कि हमारा कोई फिक्स बजट नहीं है, तुझे जितना खर्चा करना है उतना कर, है बाद में भिंडी मास्टर से पैसे ले लेना। अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं बता दो आप नींबू पानी पीजिए। अरे नींबू पानी अन्ना माधवी लौकर।
अरे वो कितनी वेल लगते है। आप बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए और पीजिए। हाँ। आराम से। नहीं संगीत लो। बोलो भाई, ये पार्टी के लिए सोसाइटी का बजट कितना है? वही हमेशा की तरह 40-45 लाख। तो हजार हजार ठीक है, लेकिन इस साल 10,000 ज्यादा लगेंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले आप पार्टी में? अरे फिर वही बात भिंडी मास्टर। ठीक है, तेरा जितना बजट है ना तू उतने ही पैसे देना, ऊपर के 10,000 मैं जेठिया से ले लूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं ही दे दूंगा आपको, आप उससे मत लेना, वो नहीं तो जिंदगी भर सुनाएगा मुझे। हा? पैसे कब देगा? मैं अब्दुल के हाथ भिजवा दूंगा पैसे। हा? ठीक। अरे आप बैठ के पी। खुश है? खुश है, चलो बेटा। हाँ मैं भिजवा देता हूँ। नहीं सांगितलं, जेठा को फोन करके बता देता हूँ भाई कि तुम्ही पता करो क्या करने वाले चाचा जी। हाँ बोल बेटे, कुछ पता चला? नहीं। कि नहीं क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं पता चला जेठालाल। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला, तू सेक्रेटरी है भाई सोसाइटी का, बापूजी को तुझे बताना ही पड़ेगा ना। अरे भाई मैंने जानने की कोशिश की, अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की, लेकिन मातारा क्या बोलला नहीं। ए, मातारा किसको बोल रहा है? मातारा होगा तू। मातारा म्हणजे वडील, वडील। पप्पू काय बोललेच नाही। आता पप्पू? अरे पप्पू नाही रे, पप्पू परमपूज्य, परमपूज्य वडील काही बोललेच नाही। तो अभी कैसे पता लगा है? हाँ पता तो लगाना ही पड़ेगा, और वो भी तुम्हें, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठाला तो मैं तुम्हें बोलूंगा। अरे माजा का संबंध? संबंध माजा का संबंध? अरे तुम्हारे तो संबंध है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम शुरू करने वाला टप्पू है और उसको आगे बढ़ाने वाले पप्पू है, इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना जेठालाल तो जिम्मेदार तुम ही होगे। क्या मुसीबत है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग चाचा जी, पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे चाचा जी मेन्यू तो बताते जाइए। मेन्यू भी बताते जाइए। अरे अरे बापूजी कहाँ गए थे? नहीं कुत्तू मजबूत मजबूत, मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, तू हाथ चल ले। क्या हुआ? अरे हाथ चल ले, ऊपर चल ले। बस एक मिनट, जल्दी जाइए बापूजी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा प्रा काल की बापू जी को। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठा, क्या हुआ, कुछ पता चला? पता है चाचा जी ने पार्टी में क्या करने वाले? नहीं मेहता साहब, वो टप्पू वाला शस्त्र भी काम नहीं आया, बापू जी ने टप्पू को भी कुछ नहीं बताया। ओ नो, मतलब अभी तक आपको पता नहीं कि चाचा जी पार्टी में क्या करने वाले है? नहीं बबीता जी। ओ नो, मुझे तो लगा अब तक आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अभी तो मैंने बोला था ना कि जयदलाल से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तो आप जाके पूछो बापूजी से, देखते हैं आपको बताते हैं कि नहीं। जाओ। एक मिनट जयदलाल। हाँ नहीं नहीं, अरे इले इले, अरे देखो मेरे को कोई लोन नहीं चाहिए। तुम्हें तो आप लोग बार बार मेरे को फोन कर दे, कभी वो मनीषा फोन करता है, कभी कविता फोन करता है, कभी योगिता फोन करता है। मैंने सबको कहा कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी आप मेरे को बार बार फोन मत करना। बबीता जी, बापू जी से पार्टी की जानकारी निकलवाने का एक मस्त आइडिया सूझा है मुझे। क्या क्या क्या? अभी अय्यर भाई को लोन के लिए किसी लेडीज का फोन आया था ना, ठीक वैसे ही हम भी बापू जी को, वो कंपनी होती है ना, वो सब सब डेकोरेशन वगैरह सब करती है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, तो ऐसे कंपनी से फोन करते हैं और जो भी पार्टी की बातें वो निकलवा लेते हैं। अरे वाह, दैट्स अ नाइस आइडिया। दोस्तों आज तो मैं भी बहुत टेंशन में,
चाचा जी नए साल की पार्टी में आखिर क्या नया करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, और जेठालाल ये जानने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। लेकिन नहीं पता चला, सबसे पहले मैंने और जेठालाल ने कोशिश की पर व्यर्थ। फिर जेठालाल ने अरफन मौला टप्पू को आगे किया लेकिन उसे भी मिला ठेंगा। फिर भिड़ों को फुसला के जेठालाल ने इस काम पर लगाया लेकिन भिड़े भी चाचा जी के मन में छिपा राज नहीं जान पाया। लेकिन 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 जेठालाल के हाथ एक ब्रह्मास्त्र लगा है। अब देखना यह है कि क्या उस ब्रह्मास्त्र की मदद से जेठालाल चाचा जी के मन में छिपाए राज जान पाएगा या ये दाव भी काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है चाचा जी क्या करने वाले हैं? क्या नए साल की पार्टी में कुछ नया करेंगे या फिर इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा कि ये पार्टी हो जाएगी टाए टाए फिस? भाई ये जानने के लिए तो आपको एक ही काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आप देखेंगे भी क्योंकि आप देखते हैं, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।